एक ही हो काली काली जुल्फा की लट कर तंग तेरे आख्या आले मोती कोई नूर बैगे हस दी के चेंज हो मैं गाला के डिजाइन तेरे नखरे अफीम के सरूर बैगे उठ के सवेरे तन्ने मांगू रब ते हो न्यारा त्रे रात मेरा राह ना होवे ना पुदा रहूंगा तेरे सर की गली ओ जब ताई तेरे मुँह ते आना होवे ओ अजे तक मैनू ऐसा यार नियो मिले जिदे ते यकीन करा अखा बंद करके बड़े मिले ने मैनू दो सकला वाले ओ कोई ते लबो ऐसा हीर ते लैला जैसा रूदी ना गल करे हाँ दूर ही रखे पैसा टूट ना जावे हंजू ताइयो तो रेंदा डर के आ जाइयो मेरे माँ आ जाइयो ना जाइयो। कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई तू कौन है तेरा नाम है क्या सीता भी यहाँ बदनाम हुई फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बिल्कुल ना विचार बिट्टू मोई यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी प्रेमिया ने आपके अपने मित्र की राम राम और नमस्ते। भाई आज इस समाम जुलाने में मौजूद है और जुलाने में एक ऐसे कलाकार था हम लाओगे एक उभरते हुए सितारे थे जिसकी कला आज के टाइम में गरीबी तक दब चुकी है लेकिन भाई संघर्ष बहुत ज़्यादा कर रहा है एक न एक दिन वो सितारा जरूर चमकेगा। उससे पहले मैं उस भाई के बारे में थोड़े से दो चार वर्ड बता दूँ। देखो जो ये अपना झोपड़ी दिख रही है ना ये जो झोपड़ी है भाई ये झोपड़ी भाई साहब ने गायकी के कारण अपने गाने के कारण घर से निकाल दिया गया घर छोड़ दिया घर त्याग दिया उसके बाद यहाँ जुलाने माँ को उसने अपनी यहाँ झोपड़ी बनाई। ये झोपड़ी के लिए जो ये बाँस है ना ये बाँस भी वो शमशानों से उठा के ले आया तब उन्होंने यह झोपड़ी बनाई। इसके बाद फिर कुदरत ने भी उनके साथ खेल खेल लिया क्योंकि देखा जाओ तो देखो भाई इस पर पूरी पता छात भी नहीं यह साथ में दीवार है इस झोपड़ी की या दीवार गिर गई थी या झोपड़ी फिर टूट गई रपिए और संसाधनों का अभाव होते हुए भी उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी फिर दोबारा से यह झोपड़ी तैयार करी और उन्होंने अपना गाना तैयार जारी रखा। आज नहीं तो कल सितारा जरूर चमकागा क्योंकि जिसके हौसले बुलंद हो ना वो कभी हार नहीं मानने हारते और जो कभी हार नहीं मानते ना वो एक ना एक दिन जरूर जीत कर दिखाते हैं। आइए हम उस कलाकार तक मिलवाए उस भाई तक मिलवा के और उसके संघर्ष के बारे में जानेगा। आओ भाई आ जाओ भाई ये वो भाई है तो सबसे पहले तो भाई साहब हमारे दर्शकों को राम राम कर दो। आप राम राम जी आप सभी को और मैं आपका अपना सनम हरियाणा और आप मुझे देख रहे हो अपना विचार बिट्टू मोई चैनल पर। तो ये भाई ये तस्वाला सिलसिला चालू करेंगे तो यहाँ पर एक बार बैठ जाओ भाई। तो भाई साहब सबसे पहले ना सवाल पूछो उससे पहले ना कुछ गा के दिखाओ और वो गा के दिखाइयो क्योंकि पहला इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन हो जो आपका बेस्ट हो वो गा के दिखाओ। तो मैं आपको सुनना चाहूँगा ये गुलाबो छोरी। अच्छा हो एरा मेरा दिल पे लिख दिया नाम गुलाबो छोरी ने एरा मेरी बहू बना दे राम गुलाबो छोरी ने चकले पा बेलन की धारा आती करवट बदलू मैं उसकी परछाई भी दिखे उसके पाछे पढ़ लू मैं जी चावे तू रे आ जाते कसके कोड़ी भर लू मैं जी चावे तू रे आ जाते कसके कोड़ी भर लू मैं हेरा रे मेरी कर दी नींद हराम गुलाबो छोरी ने हेरा रे मेरी बहू बना दे राम गुलाबो छोरी ने। तो ये देखो भाई साहब ने अपनी आवाज़ में गा के सुनाया गुलाबो छोरी। चलो सवाल वाला सिलसिला चालू करा था सबसे पहले ना आप अपना थोड़ा स्थान के बारे में बताओ आप कहाँ से हो क्या आपका नाम है और कहाँ पे आप रहते हो। मैं सुरबरा का रहने वाला हूँ जी और मेरा नाम है आकाश। फिलहाल आप कहाँ पे हो। फिलहाल मैं जुलाना में हूँ जी जैसे तैयारी के लिए जैसे झोपड़ी बनाई है। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि मतलब घर पर प्रैक्टिस नहीं हो पाती है तो इसीलिए मतलब संगीत के लिए सभी छोड़ छाड़ के मतलब अपने करियर पे ध्यान दे रहे कि जो भी करना है मतलब तो उस पर मतलब चल पड़े हैं जो भी करना है। तो अभी जैसे नई साल पे बहुत अच्छा होगा जैसे तो आगे समय बदलता रहेगा अच्छा समय आता रहेगा तो मतलब एक मतलब अलग तरीके से मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर मतलब गाने की मतलब गाने का ही टैलेंट है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि 9-10 साल पहले जैसे हनी सिंह सर थे तो वैसे ही मतलब मेरी कोई सीमा ही नहीं है मतलब एक बार बस चल पड़ा तो चल ही पड़ा मतलब रुकने का कोई नाम नहीं है। चलो जैसे आपने कहा कि मैं सुरबरा का हूँ
वहां से अपना अपना गांव छोड़ गए, यहाँ आए, यहाँ झोपड़ी डाली, यहाँ रहने लगे, तो घर वालों ने इसके लिए रोका नहीं आपको? देखो जी, घर वालों को तो मतलब इसके इतना कुछ मतलब पता ही नहीं होता है। मतलब ये होता है कि मतलब घर वाले तो मतलब सभी के मतलब ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं होता कि कुछ मतलब हमारा बच्चा कुछ बन सकता है, ये वो। मतलब वो इसलिए मना करते कि क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मतलब किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं पर उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं को देख कर मतलब हर कोई ऐसा सोचता है कि मतलब उसने सिंगर बनने की सोची थी तो उसने घर बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब वो कामयाब नहीं हो पाया। तो मतलब उसकी उसकी सारी बातें मतलब हर किसी को बोलेंगे और उससे ही सिर्फ ये समझेंगे कि मतलब जो भी ये चीज़ें सिर्फ अमीर इंसानों के लिए बनी है कि बस पैसा फेंकेंगे और अपनी कला को दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इसीलिए मतलब घर वाले तो देखो जैसा ही बोलते हैं, घर वाले हैं, पर ये देखो कि मतलब मुझे पता ना कि मेरे अंदर क्या है। यानी अपने अपने टैलेंट पर एतबार है पूरा पूरा। हाँ जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने जैसे 10वीं के बाद फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था, मेरा मन मतलब संगीत के अंदर लगता था। तो जैसे मेरे टीचर तो उन्होंने बोला कि मतलब आप कम से कम प्लस टू के बाद मतलब प्लस टू कर लो। हाँ। तो फिर मेरा जैसे मन ही नहीं था, फिर मैंने उनको समझाया कि मतलब मेरा मन ही नहीं लगता है, मेरा हमेशा ही मतलब दिमाग बस संगीत के अंदर ही रहता है कि मतलब बस संगीत के लिए कुछ करना है, करना है। फिर मैं इसलिए मतलब एक साल से ऊपर मतलब बीमार हो गया था। अच्छा। कभी कुछ कभी कुछ। तो उसके बाद जैसे फिर मैं यहाँ पे आया तो मतलब मेरे पास एक रुपया भी नहीं था। तो उसके बाद जैसे फिर मैं शमशान घाट में गया तो वहाँ से जैसे बांस वगैरह उठा के और पोस्टर वगैरह लगे हुए थे, मतलब के छत पे पोस्टर लगाए और छोटे मोटे मतलब मैंने रहने का मतलब कर लिया सिस्टम। अच्छा। कि ताकि मतलब जो ये मेरा इंस्ट्रूमेंट वगैरह है मतलब इसको दिक्कत ना हो, और मेरा तो कोई मतलब दिक्कत नहीं कि कहीं पर भी रह सकता हूँ। बस ये है कि मतलब जिंदगी में जो करना है ना मतलब तो करना ही है। जैसे अब आप घर छोड़ आए, यहाँ रहने लगे, देख खाने पीने का के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता है, तो आप अपने म्यूजिक के से संगीत के साथ साथ अलग से क्या काम करते हो? देखो जी, मतलब दो ढाई घंटे जैसे जो पापड़ होते हैं ना, तो उनको जैसे रोहतक से या कहीं से भी लेके आते हैं और उसको तड़के मतलब उसको बेच देते हैं। अच्छा, खर्चा पानी उससे? हाँ जी, उससे जैसे खर्चा पानी है कि मतलब खाने पीने का निकलता रहता है, और तो सारा समय जैसे संगीत को ही दे रहे हैं, क्योंकि संगीत ही है मेरे पास जो भी है, और यही मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा। आप संगीत की प्रैक्टिस किस चीज़ पे करते हो? मैं संगीत की प्रैक्टिस मतलब पहले तो हारमोनियम का नहीं, जैसे मैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो मतलब यूज़ नहीं करते, जैसे अपने पास गिटार भी है। अच्छा। तो बस ये है कि मतलब मैं सिर्फ वॉइस के लिए काम करता हूँ, मतलब मैं सिर्फ संगीत गाता हूँ, और कोई भी ये नहीं कि मतलब गिटार पे प्रैक्टिस करता हूँ या हारमोनियम के ऊपर। अच्छा। मैं सिर्फ अपनी गायकी पे ही ध्यान देता हूँ। संगीत में आगे कोई अपना अपना गुरु भी चुना है? देखो जी, गुरु तो सभी होते हैं। देखो गुरु के मिन भी कहीं ना कहीं ज्ञान अधूरा रह जा रहा कहीं। देखो जी, गुरु तो ये होता है कि मतलब देखो गुरु तो सभी होते हैं, हर किसी से सीखने को मिलता है, चाहे वो अच्छा से अच्छा हो या बुरा, मतलब सीखना तो ये होता है। बट बात क्या होती है, जैसे कोई भी सिंगर है, कोई भी सॉन्ग है, उसको अच्छे से सुनते हैं एक दिन दो दिन या महीना, उसके बाद मतलब फिर प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस करने के बाद जैसे फिर अपने चैनल के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, आपके किस किस मतलब चैनल है सोशल मीडिया, किन किन प्लेटफॉर्म है आपके चैनल? मेरा जी इंस्टाग्राम पे चैनल है सनम डॉट हरियाणा के नाम। अच्छा। से तो ये मैंने 7 सितंबर से स्टार्ट किया था, और अभी जैसे सभी का प्यार आता रहेगा तो बहुत बहुत कुछ मतलब ऐसा करेंगे, मतलब बिल्कुल सबसे अलग ही होगा वो। जैसे YouTube है, Facebook है, यहाँ पर भी कोई चैनल बनाया क्या? नहीं, अभी जैसे बनाने वाले हैं कुछ। अच्छा। दिनों में जैसे। लेकिन भाई का फिलहाल सिर्फ Instagram पर सनम डॉट हरियाणा, तो भाई ने फॉलो करियो और भाई का हौसला बढ़ाइयो। जैसे आपने कहा आपने अपना कोई अभी तक गुरु नहीं चुन पाए, तो आप इस लाइन में? देखो जी, गुरु तो सभी होते, जैसे ये होता है कि मतलब बी बराक सर हो गए, अरिजीत सिंह सर हो गए, सोनू निगम हो गए, मतलब सीखने को हर किसी से मिलता है। बट बात क्या होती है, मतलब कहीं भी सीखते हैं तो मतलब प्रॉपर वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, क्योंकि इतना पैसा होता नहीं है। बस ये कि जहाँ से भी जो भी मिलता है उसी को उठा के मतलब सीख लेते हैं। अच्छा, आपने जैसे कहीं पर कोई किसी ने गाने का मौका भी दिया है, जैसे कि स्टूडियो में या फिर किताब भजन कीर्तन में या कहीं और? ये तो जैसे देखो आप देख भी सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह हैं, तो जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी। हाँ। और जैसे किसी का बर्थडे हो गया। अच्छा। मतलब शादी का फंक्शन हो गया, वो तो अगर कोई भी बुलाता तो मतलब गाने का मौका नहीं छोड़ते। आप गा रहे हो, किसी फंक्शन में गए, उड़ा कोई कलाकार से आपकी कभी मुलाकात हुई है? देखो जी, मुलाकात तो नहीं हुई है, पर बात क्या होती है, मतलब अगर मुलाकात होगी भी तो सामने से आके कोई ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि हर किसी की। मैं तो ये सिर्फ ये पूछ रहा, मुलाकात हुई है या नहीं? नहीं, मुलाकात नहीं हुई।
अच्छा, मतलब किसी भी कलाकार था अभी तक आपकी कोई मुलाकात? नहीं, नहीं नहीं, अभी तक कोई मुलाकात नहीं। जैसे अगर आपकी बात करी जाए तो आपसे अगला गांव है भाई केडियर का, दनोदा गांव आपसे गांव के अगला, वहां से बड़े बड़े हरियाणवी कलाकार निकले हैं और कुछ युवा खिलाड़ी भी लिख रहे हैं, वे युवा कलाकार भी, उनके मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनका पीछे से सॉन्ग भी आया था। उसके अलावा अगर आपसे अगले गांव से बात करें बिंदर दनोदा केडियर, कभी उनसे मुलाकात हुई? नहीं, उनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। कभी मुलाकात करने की कोशिश नहीं? ऐसा मतलब मेरा सारा समय जैसे पढ़ाई पे, गायकी पे, और जैसे मैं रिक्शा चलाता था पहले। अच्छा। भी तो बस इसी में ध्यान होता था, और तो मतलब सुबह जाते थे शाम को आ जाते थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने हरियाणवी गाना सुनाया, इसके अलावा भी आप और कौन कौन से गाने और भी कोई भाषा में गाओ? जैसे पंजाबी हो गया, उसमें भी गा लेते हैं। अच्छा, हिंदी? हिंदी भी गा लेते हैं। जैसे हिंदी आपको ये सुनाएंगे कि ये आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद, आजकल याद कुछ और रहता नहीं। जैसे हो गया। अच्छा, इसके अलावा पंजाबी में और थोड़ा गा कर सुना, क्योंकि जब आपने कहा कि भाई मैं हरियाणवी पंजाबी तीनों इनमें गा लेता हूँ हिंदी में। कई साला तो जीनू चौंदा सी मैं, रब दे वांग ते ओंदा सी मैं, चोरी चोरी तक के ओनू अपना दिल समझौंदा सी मैं, जिदे पीछे मित्राने किती परवाना तुप छा दिए, विकण लगी है मैनू पीछे मुड़के लगदा तैयारी ओदी हां दी है। देखो तो भाई के हौसले को बस सलाम करना पड़ेगा, गायकी के हिसाब से भी और हालातों के हिसाब से भी, क्योंकि कहते हैं कि भाई जिंदगी में कामयाब होने के लिए जज्बातों से नहीं हालातों से लड़ना पड़ता है। अरे भाई इस समय बिल्कुल अपने हालातों से लड़ रहा है, जैसे मैंने स्थिति भी दिखाई है, क्या स्थिति है भाई की। उसके अलावा भाई साहब आपने जैसे हरियाणवी में बहुत सारे सिंगर है, किस सिंगर को आप ज़्यादा पसंद करते हो सुनना? देखो जी, सुनना तो मतलब सभी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे राजू पंजाबी सर थे। हाँ। उनके भी सुनते थे, और जैसे राजमावर सर हो गए, अंजलि 99 मैम हो गए। अच्छा। और भी जैसे बहुत सारे कलाकार हैं, तो मतलब सभी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, कभी किसी कलाकार से आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, मेरी कभी किसी। पंजाबी में किसको सुनना पसंद करते हो आप? पंजाबी में तो जैसे बीबर अक्सर हो गए। अच्छा, जैसे आप तीनों भाषा में गाओ हो, सबसे ज्यादा मजा आपने, भाषा तो नहीं है, हरियाणवी तो एक बोली है, भाषा और बोली में थोड़ा फर्क हुआ है, तो आपने सबसे ज्यादा खुद को मजा किस चीज में आता है? देखो जी, मेरा मजा तो मतलब मुझे तो मजा सभी में आता है, तभी तो मैं सभी चीजों की मतलब तैयारी करता हूँ। अच्छा। और ये होता है कि मतलब देखो, संगीत की मतलब एक कला होती है, वो ऐसी होती है कि मतलब संगीत में लगभग दो चीज़ें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, एक तो मतलब क्लियर वॉइस, मतलब क्लियर आवाज़, और एक होता है मतलब फील लेना संगीत के अंदर, क्योंकि अगर खुद को मजा नहीं आता दूसरे को क्या मजा आएगा। जैसे अब ये होता है कि मतलब जैसे आपको ये सुनाता हूँ, एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। और जैसे फिर जैसे कोई भी हरियाणवी सॉन्ग हो गया, तो जैसे ये कि ओ काली काली जुल्फा की लट कर तंग तेरे अख्या आले मोती कोई नूर बई गए, हस दी के चेंज होवे गाला के डिजाइन तेरे नखरे अफीम के सरूर बई गए, उठ के सवेरे तन्ने मांगू रब ते ओ न्यारा तेरे रात मेरा राह ना होवे, ना पदार हूंगा तेरे सर की गली ओ जब ताई तेरे मुँह ते आना होवे। और जैसे कोई भी जैसे पंजाबी सॉन्ग हो गया। हाँ। ये हो गया,
ओ अजे तक मैनू ऐसा यार नहीं ओ मिलया जिदे ते यकीन करा अखा बंद करके बड़े मिले ने मैनू दो सकला वाले ओ कोई ते लबो ऐसा आहिर ते लला जैसा रूदी ना गल करे हाँ दूर ही रखे पैसा टूट ना जावे हंजू ताइयों तो रेंदा डर के आ जाइयो मेरे माँ आ जाइयो ना जाइयो मेरे माँ। तो मतलब ऐसे एक फील होता है, अब ऐसे नहीं होता कि मतलब रोमांटिक सॉन्ग गाने लग रहे हैं और मतलब फील ले रहे हैं कि मतलब कोई सैड सॉन्ग चल रहा है, तो ऐसे ही होता है। चलो मान ले को भाई अपना इंटरव्यू देख कर कोई कलाकार है साथी या कोई और भी भाई आप तो संपर्क करना चाहो है तो वो संपर्क किस जरिए कर सका आप ते, आपका संपर्क सूत्र है? मेरा संपर्क सूत्र तो जैसे जुलाना में मेरी झुफड़ी है। अच्छा। और गवर्नमेंट आईटीआई है उसकी बैक साइड में ही मेरी झुफड़ी डली हुई है। अच्छा भाई साहब। हाँ जी, बाकी भाई का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे भी दिए, अगर किसी भाई ने संपर्क करना देख भाई हाथ में किसी भाई ने परेशान मत करियो भाई, कोई अच्छा भाई है कलाकार है या कोई और है संपर्क करना चाहो मौका देना चाहो तो भाई तो देश का है। हाँ जी हाँ जी, आप ना चल कर दिया चालू। देखो भाई साहब जैसे आप आ गए इस लाइन में, हाँ जी हाँ जी, तो अभी तो देखो आपके संघर्ष के दिन है, लेकिन इन संघर्ष के दिन में किसी ने आपको डिमोटिवेट भी कराया, किसी ने आपको हौसला तोड़ने की कोशिश करी हो? देखो जी मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बिल्कुल, और किसे ना आपको भाई साहब सपोर्ट कराओ, ज़्यादा सपोर्ट कराओ? देखो जी सपोर्ट करने वाले तो हमारे टीचर हैं, जो मैथ टीचर हैं। अच्छा। उन्होंने मतलब आज से नहीं मतलब जब से वो मेरे से मुलाकात हुई है तो तब से मुझे मतलब बिल्कुल ये होता है ना कि मतलब उनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये है कि मतलब वो अपनापन मानते हैं या ये लगा लो कि उनको कुछ लगता है, तो वो द्रोड़ी खेड़ा से हैं मेरे जो मैथ टीचर हैं। अच्छा। और उनको भी मैं मतलब बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सभी टीचर के कारण ही कुछ ना कुछ इंसान बनता, नहीं तो अगर कोई भी कलाकार अगर टीचर नहीं होगा तो देखो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं लाइफ में जो भी कामयाबी पाना चाहता हूँ तो उनके साथ में और उनके आशीर्वाद के कारण ही सब कुछ हो पाएगा, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, उस टीचर का विशेष योगदान है। हाँ जी हाँ जी। तो भाई साहब आप अपने आप को किन ऊँचाइयों तक देखना चाहते हो? देखो जी ऊँचाइयों की बात की जाए तो मतलब मेरे अंदर मतलब टैलेंट और भी हैं जो मुझे खुद भी नहीं पता, जैसे आगे मौका मिलेगा तो बहुत सारा मतलब उसके अंदर डांस भी होगा, फन भी होगा, मतलब कई तरह की स्किल्स होंगी उसमें। अच्छा, तो मतलब जी जान लगा देंगे उसके अंदर, मतलब लाइव शो या कुछ भी होगा तो मतलब अलग ही दिखेगा जो पहले कभी देखने को कभी किसी को नहीं मिला है। जैसे आप लाइव शो मंगाओ सबसे ज़्यादा आपको हौसला किस लाइव शो से मिला, कोई आपका मतलब हो जाए जितना हमने छोटा मोटा प्रोग्राम और आपको बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाया गया हो? देखो जी हौसला तो ये होता है कि मतलब आपको पता है कि मतलब कुछ साल पहले तो इतना सोशल नेटवर्क मतलब कि न्यूज़ रिपोर्टर इतना ध्यान नहीं देते थे, तो प्रॉब्लम ये होती थी मतलब जैसे सॉन्ग कवर होता था ना, जैसे सॉन्ग मैंने गा दिया कोई भी ट्रैक पर तो उसमें ये होता था मतलब डांस मिक्स होता था, तो उसके कारण मतलब किसी को पता ही नहीं चलता था कि मतलब ये लड़का अगर गा रहा है, जैसे कि स्कूल में प्रोग्राम होते तो सभी को पता चलता था कि ये लड़का गाना गा रहा है, तो मतलब जैसे बाहर जैसे जींद हो गया या नरवाना हो गया उच्चारण हो गया कहीं पे प्रोग्राम होता तो उनको पता ही नहीं लगता, क्योंकि उनका सारा फोकस मतलब डांस पे होता था, तो उनको सिर्फ इनको पता ही नहीं होता था कि लिपसिंग चल रही है या खुद का गा रहा है, मतलब उनको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे इन चीज़ों, उनको ये लगता था कि कोई फिल्मी गाना चल रहा है, और अगर मेरी खुद की परफॉर्मेंस होती अकेले की जैसे सिंगिंग की तो मतलब सभी को ये लगता था कि हाँ अच्छा गा रहा है। तो ऐसा कोई है आपका याद सा प्रोग्राम जितना अपना नूला गया हाँ भाई मैं कुछ कर सकूँ? देखो जी मुझे तो जब से पैदा हुआ तब से यही लग रहा है कि देखो ये आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन कई बार दर्शकों को देखकर भी होता ना भाई, दर्शकों ने बहुत ज़्यादा हौसला। ये तो देखो जो मेरे क्लासमेट मतलब वो भी बोलते हैं और जो मेरे टीचर हैं मतलब बोलते सभी हैं कि भाई बहुत अच्छा है बस आप लगे रहो, पर उनको मतलब इतना ये नहीं पता होता कि मतलब ये नहीं पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, वो तो सिर्फ जैसे मुझे पता है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, अब ये कि मतलब अच्छा होता रहेगा तो विदेशों तक में मतलब मेरे सॉन्ग चलेंगे, और मैं मतलब कोई कुछ भी बोले ना बोले मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, देखो ऐसा ही जज्बात आदमी के अंदर ऐसा ही हौसला होना चाहिए, क्योंकि कहने वालों का काम तो कहना है, आगे बढ़ेंगे तो टांग खींचने वाले तो बहुत कुछ बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उनका हाथ पकड़ कर चलने वाला तो कोई मिलेगा। हाँ जी हाँ जी, ऐसी बहुत बहुत धन्यवाद, और
अगर मेरी आवाज़ अच्छी लगे आप सभी को, तो हमारे भाई साहब का भी जो चैनल है, मतलब उनको भी फुल सपोर्ट कीजिए। और देखो आपके एक लाइक या शेयर या सब्सक्राइबर से, देखो आपके लिए एक लाइक या सब्सक्राइब है, पर ये देखो कि मतलब किसी भी पर्सन की मतलब जिंदगी बन सकती है उससे। बिल्कुल हौसला मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। और उससे ये होता है कि मतलब रिस्पांस की बात होती है कि मतलब जितना ज़्यादा रिस्पांस देते हैं तो मतलब एक जुनून सा होता है कि मतलब देखो इतने भाइयों ने मतलब सभी ने प्यार दिया, तो और भी मतलब नेक्स्ट इंटरव्यू में मतलब और भी अच्छा करने की। बिल्कुल। तो बस आपसे यही निवेदन है कि मतलब आप सभी सपोर्ट कीजिए और आगे आगे बहुत कुछ ऐसा होगा कि मतलब जो कभी नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। और भाई ना, हम जरूर किसी अच्छे कलाकार तो हम भी मिलवाओगे भाई, अपनी तरफ तो हम मिलवाओगे, हम भाई ना विश्वास दुआ इस वीडियो में किसी अच्छे कलाकार के साथ भाई की मुलाकात जरूर करवाओगे जो हमारे संपर्क में है। बाकी अगर भाई का टैलेंट रख लेगा वो काम चलेगा, भाई का काम चल रहा, लेकिन एक बार मुलाकात हम भी करवाने अपनी तरफ तो पूरी कोशिश करेंगे। बाकी भाई अपने इंटरव्यू खिसा लग गया जरूर तो जरूर बताइयो, और आगे किसका करना उसकी भी कमेंट कर लियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा। कई कमेंट का बने भाई।